सत्संग भवन फरीदपुर। अभी आप सुन रहे और देख रहे थे लालता प्रसाद जी के लिए, आइए इनसे बात करते हैं। लालता प्रसाद जी, इस सत्संग भवन में कितने दिनों से ये पाठ कर रहे हैं? अभी जो आप पाठ सुना रहे उसका पूर्व बता दीजिए, कौन सा आपका संवाद था जो लाखों करोड़ों दर्शकों के लिए हारे का सारा टीवी चैनल पर लोग देख रहे थे? सुंदरकांड का पाठ आप कर रहे थे, कितने दिनों से ये काम आप कर रहे हैं आप आके? छह महीने हो गए। कहाँ रहते हैं? यही रहते हैं, मोहल्ला ऊंचा नहरपोटी सतीश मंदिर शिक्षण कार्य कर रहे हैं। क्या कार्य करते हैं? सतीश मंदिर में शिक्षण कार्य कर रहे हैं, शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। तो ये आपने जो धर्म की आपको जो प्रेरणा मिली है वो कहाँ से मिली है कि सत्संग भवन में जाएंगे, डेली एक संवाद करेंगे, और ये कंठस्थ कैसे हो गया? ये बड़ी बात है, छोटी बात नहीं, लोग देख कर भी नहीं पढ़ पाते हैं ढंग ढंग से। एक तो सत्संग में जाने से कुछ सुनकर के मिला है, कुछ रामचरितमानस थोड़ा बहुत अध्ययन भी किया है, जो समय समय पर हो जाते हैं, जो सुनते हैं उसी के अनुसार ज्ञान हो जाता है। कुछ ये माँ सरस्वती की कृपा है, उन्हीं की देन है, उसी के कारण ये सब कुछ संभव हो चुका है। कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप टीचर भी हैं और इतना बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कि लाखों करोड़ों दर्शकों को देख रहे हैं आपके लिए हरेक सारा टीवी चैनल पर, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि सभी लोग प्रभु के प्रति आसक्ति रखें, उनका गुणगान करें और उनके बताए हुए शब्दों में चलें, और तभी उनका व्यक्ति का जीव का कल्याण होगा। आपका क्या सब नाम है? पांडे जी, आप कब से देख रहे हैं सत्संग भवन, कुछ बताएंगे इसके बारे में? हाँ जी, 78 से आ रहे हैं। 78 से आ रहे हैं, तो यहाँ पूजन पाठ कराते हैं या मतलब वैसे आते हैं? कई साल हो गया। तो ये सत्संग भवन भव्य, इतना भव्य कब बना है, कितने दिनों का? हाँ जी, सन 62 का बना हुआ है। कितने लोग आते हैं, कौन कौन से त्योहार सत्संग भवन में होते हैं जहाँ हजारों की भीड़ जुटती है? तो क्या कारण है पांडे जी कि अब लोगों की क्या माना जाए, धर्म जो इच्छा है, धर्म की जो आस्था है वो कम हो रही, लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, या मतलब लोगों का जुड़ाव जो है धर्म से कुछ कम हो गया है? व्यवहार पे है, लगाव जब भगवान का होता तो लोग खींचे चले आते हैं। यही मैं आपसे सुनना चाहता था कि अगर कोई ऐसा कार्यक्रम होता है, लालता प्रसाद जी के लिए कहेंगे, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं सुनाने का है इनके लिए? टीचर हैं, पुराने हैं, मंदिर बहुत ही ज्यादा देख रहे हैं। आप लोग क्या करते हैं जी? तो आप जो है भगवान से मिलने आते हैं, लालता प्रसाद जी को सुनने आते हैं? क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। नौजवानों की भी आस्था धर्म में अभी बनी हुई है, देखा जा सकता है फरीदपुर सत्संग भवन में कुछ नौजवान बच्चे भी आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? श्याम जी। कहाँ रहते हैं? परमुल्ला में। तो ये सत्संग गुरु जी सुना रहे थे इसलिए सुनने आए या दर्शन करने आते हैं? रोज आते हैं, कभी कभी आते हैं, कभी कभी आते हैं। आज कैसे आए थे? प्रसाद चढ़ाना। कोई खास दिन है आज? ऐसे ही आ जाते हैं। आपका क्या नाम है? विजय कुमार राठौर। राठौर जी बताइए, तो आप भी सत्संग भवन कहाँ रहते हैं? परमुल्ले में रहते हैं, फरीदपुर में रहते हैं। दर्शन करने आए तो कभी कभी आते हैं और रोज आते हैं? कभी कभी आप आते हैं। कुछ कहेंगे? ये जो मास्टर जी हैं इनको कंठस्थ है, पूरा पूरा सुना रहे थे अभी आधा पौन घंटे सुना। देखा और सुना जा सकता है, वैसे प्रसाद चढ़ा करके तुरंत चले जाते हैं। लालता प्रसाद जी यहाँ पर
पाठ कर रहे थे, सुना रहे थे भक्तों के लिए, और ये हरे का सारा टीवी चैनल इलाकों करोड़ों दर्शकों पे जाएगा पूरे वर्ल्ड के अंदर। आज जो है फरीदपुर से, क्योंकि मैं आपको बता दूं लाखों दर्शकों को कि हरे का सहारा टीवी चैनल बाबा श्याम के संरक्षण में, बालाजी के निर्देशन में, माँ भगवती कृपा से चैनल धार्मिक चैनल चल रहा है। क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इसमें है, क्योंकि मैं भी ग्राम पढ़ेरा तहसील फरीदपुर जिला बरेली का रहने वाला हूँ। जब मैं कल यहाँ आया था तो मैंने देखा कोई प्रतिभा ऐसी है जिसे चैनल पर भेजा जाए। देखते रहे हरे का सहारा टीवी चैनल लाइव बुराड़ी फरीदपुर बरेली दिल्ली से हरीश तोमर की खास प्रस्तुति। धन्यवाद। कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सुनाइए सुनाइए, एक सेकंड।